भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल हर साल बीएमकॉन, बीएम इस भगवान महावीर कॉन्फ्रेंस करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट लेते हैं। इस बार कोलोरेक्टल कैंसर पर हम ये बीएमकॉन करने जा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि जो विजिबल कैंसर हैं वो तो अभी लोगों में अवेयरनेस है, उनको दिखाई देते हैं, लेकिन पेट जो है वो एक मैजिक बॉक्स है, उसके अंदर क्या हो रहा है किसी को मालूम नहीं चलता। और जो रेक्टम के कैंसर हैं वो तो ब्लीडिंग होती है और उसको हमेशा पाइल्स समझ करके और इलाज करवाते रहते हैं, और जब यहाँ पहुँचते हैं तब तक बहुत लेट हो जाती है। तो सभी डॉक्टर्स को ये नॉलेज शेयर की जाएगी कि किस तरह से कोई भी प्रॉब्लम होने से आप अपनी जांच कराएं, एंडोस्कोपी कराएं, कोलोनोस्कोपी कराएं, ताकि ये सस्पिशियस रहे, दिमाग में बात रहनी चाहिए। यंग डॉक्टर्स के भी दिमाग में बात लाई जाएगी कि पेशेंट को पहले सिम्टम पर भी सस्पिशियस होकर के और उसको डायग्नोस करना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी आप डायग्नोस कर लेंगे उतना ही उसका अच्छा ट्रीटमेंट होगा और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। ये एक मेजर सर्जरी है, ये मेजर बीमारी है, और इसके लिए हमारे डॉक्टर शशिकांत सैनी ने और डॉक्टर गीतांजलि ने ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। 3 दिन ये कॉन्फ्रेंस चलेगी। पहले दिन डॉक्टर अंजुम और इनकी टीम एनेस्थीसिया से रिलेटेड डिस्कशंस होंगे, और फिर 27 और 28 को 400 डेलीगेट्स के सामने जो 30 लेक्चर्स जो लोग लेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल फैकल्टी, वो इन कैंसर्स पर उनके इंसिडेंस के उनको डायग्नोसिस करने के लिए वो अपना लेक्चर देंगे, और एक लाइव वर्कशॉप भी लोगों को दिखाई जाएगी कि कैसे। भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र की तरफ से बीएमकॉन कोर की शुरुआत की जाएगी। जेएलएन रोड स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के लगभग 400 से ज़्यादा कोलोरेक्टल कैंसर एक्सपर्ट कैंसर जांच करेंगे और इलाज की नई नई पद्धतियों और चुनौतियों पर चर्चा भी करेंगे। बीएमकॉन कोर 2024 के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर शशिकांत सैनी ने बताया कि कोलोरेक्टल कैंसर के उपचार से संबंधित देश विदेश में कई तरह के अनुसंधान चल रहे हैं। इसके साथ ही कई तरह की नवीनतम उपचार पद्धतियों का उपयोग चुनिंदा सेंटर्स पर किया भी जा रहा है। इन अनुसंधान पद्धतियों और चुनौतियों पर चर्चा के लिए बीएमकॉन 8 का आयोजन किया जा रहा है। 27 और 28 जनवरी को कॉन्फ्रेंस में 30 सेशन आयोजित होंगे, जिसमें 50 से ज़्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पीकर शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस के तहत बीएमसीएचआरसी में 8 से अधिक लाइव सर्जरी की जाएगी, जिनको आरआईसी में लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन डॉक्टर गीतांजलि अग्रवाल जोशी ने बताया कि कॉन्फ्रेंस को एजुकेशन से जोड़ते हुए इसमें क्विज और पेपर प्रेजेंटेशन को भी जोड़ा गया है। इसमें 70 शोध पत्र को शामिल किया गया है। चिकित्सालय के अधिशासी निदेशक मेजर जनरल एस सी पारिक सेवानिवृत्त ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से 400 से ज़्यादा एक्सपर्ट भाग ले रहे हैं। इनमें यूएसए के डॉक्टर पारुल शुक्ला, मुंबई के डॉक्टर अवनीश सकलानी, अहमदाबाद से डॉक्टर जगदीश एम कोठारी, कोयम्बटूर से डॉक्टर राजा पांडियन, पुणे से डॉक्टर अमोल बापे और श्रीनगर से डॉक्टर शबनम बशीर शामिल हैं। इस अवसर पर एक वर्कशॉप भी किया जाएगा। वर्कशॉप कन्वीनर डॉक्टर अंजुम खान ने बताया कि इनहेंस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी वर्कशॉप में 100 से ज़्यादा एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एवं सर्जन भाग लेंगे। इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य पेशेंट को रिकवरी को फास्ट करना है, सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद पेशेंट को किस तरह की केयर दी जाए और सर्जन एवं एनेस्थिया एक्सपर्ट की इसमें क्या भूमिका रहती है, इसे लेकर भी चर्चा की जाएगी। कुतुब मेल के लिए आशा पटेल, जयपुर, राजस्थान। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।